Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. Today I am going to discuss a topic under Educational Technology, that is Module or Self-Instructional Module, and the lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations. So let's start. First of all, Module. आजकल मॉड्यूल बहुत प्रचलित प्रचलन में आ गया है. ये शब्द छोटे बच्चे भी उनके भी कोर्स में, जब से ऑनलाइन दुनिया हो गई, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, तब से बहुत वो भी मॉड्यूल करते हैं. उनको भी पता होता है मॉड्यूल शब्द का प्रचलन पता होता है, उसका कंसेप्ट तो नहीं जानते होंगे वो. तो हम लोग जानेंगे आज कि मॉड्यूल क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी खासियत है, किस पर्पज से बनाया गया है, क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं, किन कंपोनेंट्स क्या हैं उसके, और कितने फेजेस में हम मॉड्यूल बना सकते हैं, कौन से चरण हैं जिनसे होकर वो गुजरता है. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मॉड्यूल पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा हमारे एमए के स्टूडेंट्स मॉड्यूल पर फील्ड वर्क भी करते हैं, इसके लिए भी उनको मॉड्यूल की थ्योरी की जरूरत होती है. तो हम सबसे पहले जानें कि मॉड्यूल क्या है. इन एजुकेशन, शिक्षा में क्या है मॉड्यूल. द टर्म मॉड्यूल रिफर्स टू एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट. सबसे पहले तो हम ये जान जाएं कि ये इकाई है अनुदेशन देने की, यानी कि अनुदेशनात्मक इकाई है. That focuses on a particular topic, जो कि किसी खास विषय पर, किसी खास टॉपिक पर केंद्रित होती है मुख्यतया. Then, although the details and activities vary according to the specific context, उसका डिटेल वेरी कर सकता है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो विभिन्नता प्रदर्शित कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस हम कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कोर्स के हिसाब से, किस लेवल के स्टूडेंट के लिए आपने उसको बनाया है. बट मोस्ट एजुकेशनल मॉड्यूल्स इंक्लूड, लेकिन ज्यादातर अगर मॉड्यूल होगा तो क्या होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक होगा, टॉपिक के बारे में सूचना दी जाएगी आपको. फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटीज, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम की प्रक्रियाएं होंगी उस पर वो केंद्रित होगा. एंड कल्मिनेट इन प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग, और वो जिस प्रोजेक्ट के रूप में कल्मिनेट होगा उसका अर्थ होगा कि हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर पाए जिससे कि उनमें कुछ समझ डेवलप हो सके. ओके, देन इसके अलावा क्या हो सकता है कि इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, यानी अपने आप में वो यूनिट कंप्लीट होती है. ऐसा नहीं कि हमने कोई टॉपिक आधे में छोड़ दिया है मॉड्यूल में, ऐसा नहीं होता है. दैट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक लर्निंग गोल और इंस्ट्रक्शनल फोकस, और किस पर केंद्रित होती है, किसी विशिष्ट अधिगम के उद्देश्य पर ये फोकस करती है. ओके, डेफिनेशन पर जाएं, इसकी परिभाषा दी जाए, रसेल ने उसको 1974 में डिफाइन किया. देखिए बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अभी इधर ये ऑनलाइन वर्ल्ड में ज्यादा फेमस हो गया. उसके पहले इस पर कम बातचीत की जाती थी, कम प्रचलन में था, बातचीत पहले की जाती थी. तो 1974 में रसेल ने इसको डिफाइन किया है. कैसे डिफाइन किया है, इट इज एन इंस्ट्रक्शनल पैकेज. हमको ये बात समझ में आ गई कि पैकेज है, मतलब अपने आप में कंप्लीट है. इससे क्या किया जाएगा, अनुदेशन दिया जाएगा. डील किससे करेगा, किससे इसका लेना देना है, विद अ सिंगल कंसेप्चुअल यूनिट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट मैटर की जो भी यूनिट ली है उस कंसेप्चुअल यूनिट से वो डील करेगा सिंगल, यानी बहुत सारी चीजें एक मॉड्यूल में नहीं पढ़ाते हैं, एक टॉपिक ही पढ़ाते हैं. देन मॉड्यूल्स आर डिजाइंड, किस लिए बनाए गए हैं, टू हेल्प दी स्टूडेंट्स, जिससे कि विद्यार्थियों की मदद की जा सके, टू अकॉम्प्लिश, जिससे कि वो पूरा कर सके सर्टेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कुछ अच्छी तरीके से परिभाषित किए हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं. विद द यूज ऑफ ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड, हम जो अनुदेशन है उसको व्यक्तिगत स्तर पर ला सकते हैं. कैसे, कि अनुदेश उसमें जो मटेरियल है उसको जब विद्यार्थी पढ़ेगा तो अपने पेज से पढ़ेगा, अपने पेज से ग्रैस्प करेगा. ऐसा नहीं है कि हर क्लास का हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी उसको, ऐसा नहीं होता है कि सभी को आधे घंटे में ही पढ़ लेना है और आधे घंटे में उसका आंसर दे देना है ना. आप अपने पेज से पढ़िए, जो ज्यादा जल्दी पढ़ सकता है जल्दी पढ़ लीजिए, जिसको टाइम लगता है वो धीरे पढ़िए. इसका मतलब कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट अपने समय के अनुसार ही. जैसे ही हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं वैसे ही हम क्या बात करते हैं, थ्री एज मीन्स एनीवन, एनीबॉडी, एनीटाइम.
यानी टाइम की भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी टाइम में पढ़ना है, आप अपने पेस से अपनी सुविधा के अनुसार जब आपको समय मिले तब आप पढ़िए। दे मे ऑल्सो बी यूज टू कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन, और ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी इंस्ट्रक्शन को यूज किया जा सकते हैं, जैसे कि आपको पढ़ा दिया कि रमिका के लिए हम आपको इसका मॉड्यूल भी शेयर कर देंगे, तो आप उसे और पूरक बना सकते हैं अपने अनुदेशन को। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग जो है इसका सबसे खास कॉम्पोनेंट है, सबसे खास हिस्सा है सेल्फ पेस सेल्फ लर्निंग। क्या कह रहे हैं, एनी लर्निंग रिसोर्स दैट कैन बी यूज बाई ए लर्नर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मटीरियल टीचर, दिस डज नॉट प्रिक्लूड लर्निंग फ्रॉम अदर लर्नर्स। ये कह रहे हैं कि सीखने का ऐसा संसाधन, अधिगम का वो संसाधन जो कि लर्नर द्वारा यूज किया जा रहा है जिसमें कि टीचर की प्रेजेंस नहीं, शिक्षक इसमें उपस्थित नहीं है, और लेकिन ये दूसरे विद्यार्थियों से सीखने में आपको रोकता भी नहीं है, यानी कि ग्रुप लर्निंग इज पॉसिबल बट ओनली टीचर इज एब्सेंट। ओके, देन कॉम्पोनेंट्स, कोई भी मॉड्यूल होगा उसके ये कॉम्पोनेंट होंगे। कौन कौन सा, सबसे पहला टाइटल, टाइटल के बिना तो मॉड्यूल हो ही नहीं सकता है कि उसका टाइटल क्या है, तो टाइटल क्या होना चाहिए, गुड टाइटल शुड बी क्लियर कंसाइज एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ इट्स कंटेंट, यानी स्पष्ट होना चाहिए, यानी बहुत लंबा है, संक्षिप्त होना चाहिए, और जो उसमें आप कंटेंट देने जा रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन करना चाहिए, यानी कि आपने टॉपिक कुछ रखा है उसके अंदर कंटेंट कुछ और है, दोनों एक दूसरे के कोहेरेंस में होनी चाहिए। देन ओवरव्यू, ओवरव्यू क्या होता है मॉड्यूल का, इट सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉड्यूल, यानी कि हमारा उसमें प्रस्तावना आएगी मॉड्यूल की, और ये डिस्क्राइब करेगा कि इसका स्कोप और रैशनल, यानी इसका विषय क्षेत्र क्या है, वो मॉड्यूल किस विषय क्षेत्र को कवर करता है, एंड व्हाट इज इट्स रैशनल, क्यों बनाया गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट आ जा रहा है आपका ऑब्जेक्टिव्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, सबसे जरूरी ये इसका हिस्सा है मॉड्यूल का, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, एंड हैज टू फॉलो द एक्रोनिम, और उसको फॉलो करना चाहिए किस एक्रोनिम को, स्मार्ट को। स्मार्ट में क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, सॉरी स्पेसिफिक भी कहीं कहीं होता है, यहाँ स्मार्ट लिखा है, स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, यानी स्मार्ट या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, मतलब आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं ले सकते हैं मॉड्यूल में। अगर आप मॉड्यूल मान लीजिए छोटी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाएं और आप उसमें कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस उनको समझाना चाहते हैं, तो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्पेसिफिक एकदम विशिष्ट होगा उसी मॉड्यूल के लिए उसका उद्देश्य। हम जनरल नहीं कि विद्यार्थी बायोलॉजी को समझ जाएंगे, ऐसी बात उसमें नहीं लिखी जाएगी, उसमें लिखा जाएगा कि इस मॉड्यूल के अंत में विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ जाएंगे और उसको परिभाषित कर सकेंगे। मेजरेबल, जिसको आप नाप सकें, जिसको जो मेजरेबल हो, नापने योग्य हो, ऐसा मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होने चाहिए जो अनमेजरेबल है, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जैसे कि टू अंडरस्टैंड या टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट है ना, जब अगर आप ये लिखते हैं कि विद्यार्थी उसको समझ जाएंगे तो आप उसको नाप नहीं सकते, नाप समझ को नापना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के एक्शन वर्ब फॉलो करेंगे जैसे टू रिकॉल टू डिफाइन टू लिस्ट टू एनालाइज टू कंपेयर टू, इस तरीके का जिसका कि आप मेजरमेंट कर सकें, जिसका मापन कर सकें, जो मापनीय हो। अटेनेबल, जो प्राप्य हो, यानी कि उस आधे घंटे की क्लास के बाद प्राप्त किए जा सके, ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव अपने मॉड्यूल का कि विद्यार्थी में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाएगा, अब आधे घंटे की क्लास में किसी का साइंटिफिक टेम्पर नहीं डेवलप कर सकते हैं, तो अटेनेबल होना चाहिए। वही बात रियलिस्टिक की है, रियलिस्टिक होना चाहिए, हम एकदम अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, एंड टाइम बाउंड कि एक समय सीमा के अंतर्गत वो प्राप्त कर लिया जाए, तो लगभग सभी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, यू कैन से। देन डिस्कशन, डिस्कशन आई थिंक इट इज स्पेसिफिक, ये गलती से शायद इस स्मार्ट का स्मार्ट हो गया, स्पेसिफिक ही है, है ना, स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। देन डिस्कशन, क्या डिस्कशन होगा, क्या फ्लो रहेगा आपके मॉड्यूल का, द सजेस्टेड फॉर्मेट इज टू प्रेजेंट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एट द बिगिनिंग एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट फॉलोज बेस्ड ऑन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सजेस्टेड फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से ये होना चाहिए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आप शुरू में बता दीजिए, जैसे ही आप मॉड्यूल शुरू कीजिए वैसे ही उद्देश्य बता दीजिए शुरुआत में, और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट जो आपकी विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण किस तरीके से हो कि जो आप उद्देश्य बता के आए हैं उसी पर आधारित हो।
देन इवेल्युएशन, बिना इवेल्युएशन के मॉड्यूल इज इनकम्प्लीट. हमेशा उसमें एक सेल्फ चेकलिस्ट होनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज, कोई एमसीक्यू, कोई सवाल जवाब जरूर उसके अंत में होना चाहिए, ताकि हम ये मूल्यांकन कर सकें कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं. इट कैन बी सेल्फ चेक टेस्ट, एक्सरसाइज और अदर मीन्स ऑफ असेसिंग लर्निंग आउटकम्स. की जो लर्निंग आउटकम है हम उसको असेस तो कर पाए, नाप तो पाए. देन रेफरेंसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी और अधिक पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक पे और डीप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको उनको कुछ रेफरेंस मटेरियल देना चाहिए जहां से एक तो आपने इसको लिया है और दूसरा जहां से और वो इसके बारे में डिटेल आउट कर सकते हैं. अ लिस्ट ऑफ बुक्स और गाइड यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द मॉड्यूल और अदर मटेरियल्स दैट मे बी कंसल्टेड फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी प्रेजेंटेड. और आगे की समझ को डेवलप करने के लिए भी कुछ मटेरियल हमको वहां पे कोट करना होगा, नोट करना होगा. देन स्टाइल, किस स्टाइल को फॉलो करेगा मॉड्यूल. इट कैन बी फॉर्मल, ये औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है और कन्वर्सेशनल होता है. जनरली मॉड्यूल्स जो है वो कन्वर्सेशनल होते हैं, यानी कि आपसे बातचीत करता चलता है उसका कंटेंट. देन रिगार्डलेस ऑफ द स्टाइल यूज्ड, कोई भी स्टाइल आप यूज कर रहे हो, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो ये है कि वो स्पष्ट होना चाहिए और साधारण होना चाहिए. अति क्लिष्ट मॉड्यूल बनाने का कोई लाभ नहीं है. मॉड्यूल बनाने का मतलब कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आप उसे लाभ दे सके. देन फेजेस, तीन चरणों से होकर गुजरता है, प्रिपरेटरी, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन. यही तीन चरण है उसके. प्रिपरेटरी में क्या है, शुरुआती जो उसका चरण है जिसमें तैयारी कर रहे हैं आप मॉड्यूल की, तो वो उसमें क्या होगा, दिस फेज इज कंसर्न विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. यानी इसमें संग्रहण किया जाएगा, विश्लेषण होगा और इंटरप्रिटेशन होगा डेटा का. तो डेटा हमारा है क्या, अबाउट द कंटेंट, किस कंटेंट पर हम मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं, टारगेट ग्रुप क्या है, माने कि लर्नर क्या है, किस स्टूडेंट के लिए, किस लेवल के लिए बनाने जा रहे हैं, और अबाउट दी लर्निंग रिसोर्सेज, हमारे पास अधिगम के संसाधन क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, जितने भी तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं. तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कंटेंट पे, लर्नर पे और रिसोर्सेज पे. फिर हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन क्या आ जाएगा, प्रोग्राम, उसकी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि निर्माण भी है, उसका प्रसार भी है, उसकी उपयोगिता भी है, ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन में आती है. तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, हाउ डू यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल. तो आपको ये चरण बताने होंगे. सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, आप विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग यूनिट्स, फिर छांटेंगे कि कौन कौन सी यूनिट पर हम मॉड्यूल बनाएंगे. फिर डिजाइनिंग ऑफ फॉर्मेट एंड सिलेक्शन ऑफ द मीडिया, आप उसका फॉर्मेट चयन करेंगे कि फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा कि कन्वर्सेशनल होगा. और फिर हम मीडिया का चुनाव करेंगे कि इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे कि वीडियो डालेंगे कि एनिमेशन डालेंगे कि साउंड इफेक्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, इस मॉड्यूल में पिक्चर डालेंगे. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, आपको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा. कई मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो आपका प्री टेस्ट लेते हैं, पोस्ट टेस्ट लेते हैं, मतलब कि जब आप इस मॉड्यूल को पढ़ना शुरू कर रहे थे आरंभ में आपका आपकी जानकारी क्या थी, फिर इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद उसने आपकी जानकारी को किस तरह से एनहांस किया, और फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि इवेल्युएशन इसका हो जाता है कि हाउ वेल द मॉड्यूल हैज बीन सर्व्ड टू स्टूडेंट्स. देन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस विद्यार्थी के लिए, जिस आयु वर्ग के लिए, जिसके लिए आप बनाने जा रहे हैं उसके गुण आपको विशेष रूप से पता होने चाहिए, तभी हम सही मॉड्यूल का निर्माण कर पाएंगे. देन इवेल्युएशन, कैसे मूल्यांकन करेंगे कि मॉड्यूल अच्छा बना, खराब बना, नहीं अच्छा बन पाया. इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, हम अगर उसकी प्रभावशीलता का मापन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल के बारे में, तो क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा. और हर पक्ष का इवेल्युएशन शुड बी फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग, हमको इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और इम्पैक्ट, ये चार तरीके के इवेल्युएशन करने हैं. इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट या आउटपुट कह सकते हैं आप, और इम्पैक्ट. तो इनपुट क्या है, इफ द लर्निंग रिसोर्सेज आर एडिक्वेट एंड रिलेवेंट, यानी कि जो अधिगम के संसाधन आपने प्रयुक्त किए हैं उस सेल्फ लर्निंग मटेरियल को बनाने में, वो एडिक्वेट थे, पर्याप्त थे, रेलेवेंट थे कि नहीं थे. देन प्रोसेस का इवेल्युएशन, इट शुड इंक्लूड, इसमें क्या इवेल्युएट किया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि लर्निंग मटेरियल SLM आपका सही बना कि नहीं, प्रोडक्शन उसका सही हुआ, डिसेमिनेशन हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, ये सारी चीजें सही रूप से हुई कि नहीं. देन प्रोडक्ट क्या निकल गया है, इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स, वो मॉड्यूल पढ़ने के बाद लर्नर की परफॉर्मेंस में किस तरीके का चेंज हो रहा है,
after completion of the course, such as follow-up studies of the learners after the training period. यानी उस training period के बाद, उस module को पढ़ने के बाद, जो learner है, उसकी follow-up study करनी पड़ेगी. Then impact evaluation, यानी कि उस module ने कितना impact डाला है learner पर. The ultimate aim of self-learning modules is to improve the competencies of learner. हम चाहते क्या है? मूलभूत उद्देश्य क्या है? कि जो विद्यार्थी है, उसकी competency को बढ़ा सके. तो इसका evaluation impact evaluation कहलाता है कि overall क्या impact डाला है module ने. Then, प्लस पॉइंट तो बहुत दिख रहे हैं कि सेल्फ पेस है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, और आपका वर्चुअल वर्ल्ड में है तो बहुत सारी टेक्निक को फॉलो करता है. लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कमियां भी हैं. इंडिपेंडेंट स्टडी हो रही है ना, टीचर भी प्रेजेंट नहीं है. तो ये क्या चाहता है, ये मांग क्या करता है, डिमांड क्या करता है? डिमांड करता है कि जो लर्नर है उसके पास हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए. यानी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो मॉड्यूल को पढ़े, उसका एक्सरसाइज करे, सेल्फ चेक करे, फिर आगे जितने भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करे. सेल्फ डिसिप्लिन, हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तभी किसी मॉड्यूल को कंप्लीट कर पाएंगे. बिकॉज कोई हमसे कह नहीं रहा है, कोई उसमें पनिशमेंट नहीं लगा हुआ है कि अगर आप नहीं पढ़े तो क्या होगा. On the part of the learner, hence not suitable for each and every child. तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बालक जो है वो मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरीके से उसका लाभ ले सकता है. Then ये हायर लेवल के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है. वैसे आजकल हम लोग ने देख लिया कोविड टाइम में कि छोटे बच्चों ने भी बहुत बढ़िया से मॉड्यूल किए, तो इसको ये बात कहीं कुछ हद तक दरकिनार भी हो सकती है. इसीलिए है कि बच्चा जो है वो जो चिल्ड्रेन है, जो किड है, जो स्मॉल स्टूडेंट्स हैं, वो उतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं. इसलिए थोड़ा सा उनके में अटेंशन स्पैन का दिक्कत है, इसलिए कहा जाता है कि वो टीचर की प्रेजेंस में अच्छा सीखेंगे. देन मिनिमम लर्नर टीचर और ग्रुप इंटरेक्शन, लर्नर टीचर का, लर्नर का इंटरेक्शन कम हो रहा है यहाँ पे. तो इससे क्या हो सकता है, इट कैन बी रिजल्टेड इन आइसोलेशन, विलगित हो सकता है व्यक्ति, निकाय आपका विद्यार्थी, एंड लेस डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स. और आप कह सकते हैं कि जो हमारे सामाजिक कौशल हैं उनके विकास को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा. देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स मे अराइज, हमको संवाद की प्रॉब्लम हो सकती है, संप्रेषण की समस्या आ सकती है, भाषा संबंधी दिक्कत हो सकती है. अगर हम केवल, बिकॉज देयर इम्फेसिस ऑन द रिटन मटेरियल ओनली, केवल टेक्स्ट पर हमारा इम्फेसिस है, संवाद पर कम है, इसलिए ये इसकी एक अनुसीमन इसका हो सकता है, इसका एक सीमांकन हो सकता है. ओके, तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड अ न्यू टॉपिक अंडर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज मॉड्यूल. आई होप दैट दिस टॉपिक विल बी क्लियरर टू यू नाउ. सो थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. To find this channel in Telegram, scan to join, type Explore Education, and join my Telegram group so that you can get learning material, you can ask your query and provide feedback to me too. Done from my side.